नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमलवा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज पोखरण परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जैसलमेर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा पीएम की सभा के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान की 30 सीटों को साधने की तैयारी में है। पाकिस्तान की ईर्ष्या और आतंकी धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय Y20 सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। कश्मीर के केंद्रीय कैंपस हजरत बल में आज Y20 सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन से पूरा विश्व कश्मीर की बदलती तकदीर के बारे में जानेगा और देखेगा। बता दें कि यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हो रहा है। 4 सत्र में यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता, जीवन की एक राह विषय पर होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य को एक नई सौगात देने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सीएम धामी एक दिवसीय चंपावत दौरे पर है, जहां सीएम गोरल चौड़ मैदान के निकट ऑडिटोरियम में शिक्षा विभाग के संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के स्कूलों तकनीकी शिक्षा से जुड़ा जाएगा। IPL सीजन 16 में यहाँ 56वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों के बीच यह भिड़ंत कोलकाता के इंडियन गार्डन में होगी। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की परीक्षा होगी। इस सीजन इन दोनों टीम के बीच यह पहला मुकाबला खेला जाएगा, जहां एक तरफ कोलकाता जीत कर मैदान पर उतरेगी, वहीं राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मुकाबला हार कर आज मैदान पर फिर उतरेगी।